जैसा कि हम जानते हैं कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है, और जो कि रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा भी अलग अलग प्रकार का ही होता है। जैसे कोई मोटा होता है, कोई चिकना या कोई चमकदार होता है। इसलिए डिफरेंट टाइप के रेशम जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम या कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम भी डिफरेंट किस्म के रेशम के कीटों के कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। और सबसे कॉमन रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होते हैं। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम के रेशे मतलब फाइबर सॉफ्ट, चमकदार और लचीले होते हैं तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। मैं जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है और इंडिया कॉमर्शियल स्केल पर बहुत अधिक रेशम का प्रोडक्शन करता है, जिसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।